हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे इस कंपनी के शेयर में अगर आप प्रीवियस सेशन में देखोगे तो 2% की गिरावट आपको देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। और उस दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट में भी गिरावट आपको देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे लेटेंट व्यू के अंदर भी गिरावट देखने को मिला। लेकिन लेटेंट व्यू की आज बड़ी अपडेट आपको आज मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे इसके अबाउट भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, प्लस यहाँ पे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का यहाँ पे पूरी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कंपनी Q4 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है आज के डेट में पब्लिश करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट होगा Q4 क्वार्टर का, वो रिजल्ट किस प्रकार का आ सकता है यहाँ पे, उसके बारे में हम एक बार देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी जो रिजल्ट्स पब्लिश करेगी वो कितना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल सकता है या डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस कंपनी की अगर हम बात करें तो 6 मंथ में 17% की रैली देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। 1 ईयर की बात करें तो 32% की रैली देखने को मिला है, और 5 ईयर्स की बात करें तो 30% की अभी भी गिरावट है इस स्टॉक में। यानी जो स्टॉक आपको 700 रुपया में मिलता था, आज भी अभी आपको 485 रुपया में यह स्टॉक अभी भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टर की अगर हम देखें आपको होल्डिंग, तो यहाँ पे जो प्रमोटर हैं खास करके इस कंपनी के अंदर, वो अपनी होल्डिंग 2 क्वार्टर से अगर आप देखें तो स्टेबल है। यहाँ पे कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे FIS की अगर हम खास करके बात करें तो FIS कंटिन्यू अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं 3 क्वार्टर से। यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में भी इन्होंने कम किया, दिसंबर से मार्च में भी इन्होंने कम किया। इसी के साथ लेकिन अगर हम बात करें DIS की, तो यहाँ पे DIS कंटिन्यू अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं सितंबर से। सितंबर से इन्होंने बढ़ा के सीधा दिसंबर में 2.45% कर दिया, उसके बाद 4.47% की होल्डिंग कर लिया है यहाँ पे मार्च 2024 के एंड में। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से स्टॉक पे एक्शन भी आपको देखने को मिला और यहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेजी भी देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे हम बात करें लेटेंट व्यू की, तो लेटेंट व्यू में आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगा, कंपनी बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन यहाँ पे इनका जो मार्केट कैप है 9,905 करोड़ का देखने को मिलता है अभी के टाइम पे फिलहाल। और यहाँ पे बेसिकली अगर इस कंपनी के पी की बात करें खास करके, तो यहाँ पे 67 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री पी से सीधा डबल है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल है, 67 में है और यहाँ पे 36 इसका पी है। प्रमोटर होल्ड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंपनी के जो EPS है अभी के टाइम पे, तो EPS 7.19 रुपया पे देखने को मिल रहा है और इनके पास रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री कह सकते हैं, 0.02 की डेप्ट इक्विटी है और यहाँ पे डेप्ट मार 24.8 करोड़ का देखने को मिलता है। इस कंपनी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी के टाइम पे पेट्रोस्की स्कोर 5 है और ग्राहम नंबर की जो प्राइस है यहाँ पे 100 आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंपनी की जो रिजल्ट्स की, तो खास करके Q3 क्वार्टर की रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो दिसंबर 2022 से और दिसंबर 2023 में कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कुछ फर्क देखने को मिल गया है। इनकी सेल्स में बढ़ोतरी तो देखने को मिला है लेकिन मार्जिन में भारी गिरावट, 29% से सीधा 22% मार्जिन आ गया और यहाँ पे 52 करोड़ से जो प्रॉफिट था घट के 47 करोड़ रुपया आ गया। तो होपफुल्ली कि यहाँ पे भी यहाँ पे सेल्स इंक्रीज तो करेगा कंपनी का मार्च क्वार्टर में, लेकिन जो इनका प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट 34 करोड़ के इर्द गिर्द ही रह सकता है, यानी यहाँ से ज़्यादा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक इनकी मार्जिन देख सकते हैं कि 21% रहा था पिछले साल, तो यहाँ पे भी मार्जिन अगर इस तरीके से रहा, क्योंकि यहाँ भी यहाँ पे जो इनकी सेक्टर है एक तरह से डाउनफॉल में हेडविंड्स देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से इसकी जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ ही नजर आएगा होपफुल्ली। और यहाँ पे अगर इस कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की बात करें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन FY24 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 155 करोड़ से प्रॉफिट कम होके 148 करोड़ रुपया आ गया। लेकिन पहले ये कंपनी का जो प्रॉफिट था 8 करोड़ से 17 करोड़, 17 से 60, 60 से 73 और 73 से 91, 91 से 130, 130 से 155 हुआ था,
लेकिन अभी के टाइम पे मार्च 2023 के बाद अगर आप देखो FY24 में अगर देखें मार्च 2024 का, तो यहाँ पे जो ओवर द ईयर अगर हम बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट है 148 करोड़ ही होता हुआ नजर आ रहा है, और मार्जिन भी यहाँ पे गिरा है कंपनी का, खास करके मार्जिन में ही गिरावट देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, रिजर्व कंपनी इंक्रीज कर रही है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, CWIP में काम कंपनी ने कर लगा रही है, इन्वेस्टमेंट में कंपनी कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है, कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज देखने वाली बात होगी कि कंपनी का Q4 क्वार्टर का रिजल्ट किस प्रकार का आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट आज की डेट में आने वाला है लेटेंट वीक का। और दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर अभी तक आपने डिबेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अपस्टॉक पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा हूँ, वहाँ से जाके आप यहाँ पे मतलब कि अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट है जो ओपन कर सकते हैं, अपस्टॉक पे भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जीरोदा पे भी आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पे डीमैट अकाउंट। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों।